अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपने जेपी, आम्रपाली, यूनिटेक, सुपरटेक और अंजारा का नाम जरूर सुना होगा। दरअसल ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो फ्लैट बनाकर बेचती हैं। इनके भरोसे हजारों लोगों ने अपने सपनों का आशियाना बनाया था, लेकिन आज कई साल बाद भी उन्हें वो नसीब नहीं हो सका। जेपी, आम्रपाली, यूनिटेक, सुपरटेक और अंजारा, ये सभी बिल्डर्स भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। इनकी कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर आ गई हैं और इनका असली खामियाजा उठाना पड़ा उन लोगों को जिन्होंने इसके प्रोजेक्ट्स में घर खरीदे थे। हालांकि अब सरकार जल्द ही कुछ नियम कानून बदलकर ऐसे घर खरीदने वालों को राहत दे सकती है जिनकी मेहनत की कमाई को इन कंपनियों ने डकार लिया। लेकिन अब सरकार कड़ा कदम उठाने जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही दिवाला कानून में बदलाव होगा। पहले जब कोई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स बनाने में फेल हो जाता था तब उसका मामला दिवाला कानून की प्रक्रिया में जाता था और होम बायर्स को नुकसान होता था। आंकड़े बताते हैं कि दिवाला कानून की प्रक्रिया में गए मामलों में करीब 21% रियल इस्टेट सेक्टर से जुड़े होते हैं। इसमें से महज 15% ही सावधान हो पाता है। अब राहत की बात यह कि सरकार दिवाला कानून में बदलाव के मूड में है। उम्मीद है कि इस शीतकालीन सत्र में उन्हें मंजूरी मिल सकती है। नए नियमों के तहत अगर कोई बिल्डर फेल भी होता है तब भी घर खरीदारों का पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। अब हर प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर कराया जाएगा, साथ ही हर प्रोजेक्ट का एक अलग बैंक अकाउंट ऑपरेट कराया जाएगा। वहीं जिन प्रोजेक्ट्स में अटाली ने प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा हासिल कर लिया उन प्रॉपर्टी को लिक्विडेशन से बाहर रखा जाएगा, यानी घर अटाली के पास ही रहेगा। मेरा नाम है प्रियंका। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। साथ ही ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।